नर्मदे हर। अभी हम हैं नर्मदा जी के उत्तरी तट पर और आज हम दर्शन करने वाले हैं एक सिद्ध स्थान के जो मृगन्नाथ बाबा के नाम से जाना जाता है। और बताते हैं, बहुत ही सिद्ध स्थान है, यहाँ पर जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है। जो भी काम ना अपन करते हैं वो पूरी होती है यहाँ पे। मृगन्नाथ बाबा के बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। मृगन्नाथ बाबा पे हम पहले छोटे छोटे थे और अभी भी, तो ये पानी की जरूरत पड़ती, फसलें सूखने लगती किसानों की, तो ये गांव के गांव पंच पंच लोग 10-10, 50-50, 100-100 झंडा लेके जाते बाबा के यहाँ पे। अच्छा, झंडा चढ़ाने और प्रार्थना करने, तो वे लौट के आते हैं तो वे भींग के ही आते हैं। मतलब बारिश हो जाती है, बरसात हो जाती, बारिश हो जाती है। हमने जिंदगी से देखा था रहा, तो इतना बड़ा चमत्कार हमने देखा। अच्छा, और भी कोई जो भी तो ऊपर 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 पहाड़ी पे आश्रम है उनका। हाँ, बड़ी पहाड़ी पे ऊपर उनका आश्रम है, स्थान है, तो वहाँ पे जान के जो भी मन्नत मांगते वो पूरी होती है, ये हमने अनुभव किया। अच्छा, बहुत जागृत स्थान है, बहुत सही है। तो मृगन्नाथ बाबा, ये रामदास जी हमारे साथ हैं, इनके साथ बाबा मृगन्नाथ जी के आश्रम के दर्शन करेंगे और कुछ आप अपने लिए मांग लेना, हम अपने लिए मांग लेंगे और दोनों एक दूसरे के लिए मांग लेंगे। भगवान से, बाबा से मन्नत जरूर पूरी होगी। तो चलिए चलते हैं। हाँ, 1.5 से 2 किलोमीटर की चढ़ाई है, ऊपर पहाड़ी पर है, तो ये देखिए पहाड़ी रास्ता है, चलते हैं। जैसे जैसे रास्ते पे चलते जाएंगे, देखिए ये लोग जा रहे हैं उसी आश्रम पे, और यहाँ की बता रहे हैं सबसे ऊंची पहाड़ी वही है जी। ये पत्थरों पे इस तरीके के एरो के निशान लगा रखे हैं जी, जिससे कि यहाँ पे जैसे ये एक रास्ता इधर जाता है तो वो ना भटकें। तो ये रास्ता देखिए इधर से ऐसे जाते हैं। हाँ, एरो के निशान इसीलिए लगा रखे हैं कि आप इस रास्ते से ऊपर जाएं। बहुत रास्ता लकड़ी वाले वहां तक चल जाए मृगन्नाथ तक। नर्मदा जी का पूरा सफर, अमरकंटक में भी हम लोग कपिलधारा वगैरह गए थे तो ऐसे ही रास्तों से होकर गए थे। और मैं तो समझता हूँ नर्मदा जी का हर किनारा, हर तट इसी तरीके के पत्थरों से भरा हुआ है। ये कुछ लोग जीवन यापन के लिए लकड़ियाँ एकत्र कर रहे हैं। वजन इतना ऐसे ले जाएंगे नीचे है। हाँ। कितनी कितनी दूर ले जाना है इसको? 2 किलोमीटर ले जाएंगे। जहानपुर तो भाई वो तो 2 किलो से ज्यादा ही होगा। 2 किलोमीटर से भी ज्यादा है। हाँ, यहाँ खाली चलने में पसीने आ रहे हैं, आप लोग इतना वजन कैसे लेके जाएंगे? रफत पड़ने में तो ले जाओ और ले जाओ, होल ले तो होल ले लो तो और भी ज्यादा ले जा। अच्छा, ये निर्माण, तो ये देखिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई आ गई है, देखिए क्या हो मृगन्नाथ बाबा की। ये आए आधी दूर पे हनुमान जी के, जो भी बैठे। अच्छा, हनुमान जी के आधी दूर समझ लो। अब हम लोग क्या हाई, मतलब दूरी तो ज्यादा निकल गई, मैंने चढ़ाई आधी चढ़ाई पर आ गए। यहाँ हम ये लोग बैठे हैं, विश्राम कर रहे। यहाँ पर हनुमान जी का स्थान है, तो बिल्कुल थोड़ा सा अब शरीर चार आगे थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, सांस फूलने लगी है, सांस जल्दी जल्दी चलने लगी। ये हनुमान जी विराजमान हैं, इनके पास थोड़ा सा समय व्यतीत करेंगे और कितना वजन रख करके और सीधी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। यहाँ खाली चलने में दिक्कत हो रही है और ये देखिए चढ़ाई का अनुमान आप इसी से लगा लीजिए। देखिए नर्मदा जी का दर्शन यहाँ से हो रहा है स्पष्ट, बिल्कुल नर्मदे हर। ये नर्मदा जी हैं और नर्मदा जी की उस तरफ तवा नदी, आगे जाके संगम होता है यहीं पर। ये
देखिए मगननाथ बाबा के यहाँ आए और पानी ना बरसे, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि बारिश ना हो है? और देखिए पूरे सराबोर हो चुके हैं, पानी में भीग चुके हैं और चढ़ाई अभी इस तरीके की चढ़ाई ऊपर चढ़नी है। ये देखिए चश्मा लगा है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उतार दो तो अब समझ में आ रहा है। ये रास्ता आगे है, इधर से है, हैं भटक गए क्या? चलिए अब ये देखिए सामने स्थान दिखने लगा है, बिल्कुल जब ऊपरी सतह पर आ गए तब स्थान दिखाई दिया, क्योंकि खड़ी चढ़ाई थी एकदम से ऊपर था, नीचे से दिखाई नहीं दे रहा था। और ये तो अब हम मगननाथ बाबा के स्थान पर आ गए हैं और ये देखिए बहुत प्यारा स्थान लग रहा है और बिल्कुल चोटी पर, पहाड़ी की चोटी पर, इससे ऊपर पहाड़ी नहीं है। तो अब यहाँ हवा भी बहुत अच्छी लग रही है, भीग भी चुका हूँ, भीगने के बाद तो आप देख ही रहे अभी कपड़े सूखे नहीं हैं, वो सूखे इतनी जल्दी कहाँ से सूख जाएंगे, लेकिन हाँ धूप तो हल्की है लेकिन तेज़ लग रही है, तो उम्मीद है कि जल्दी कपड़े सूख भी जाएंगे, क्योंकि और कपड़े लेके भी नहीं आए, बैग नीचे ही रखा है, नीचे ही एक आश्रम पर रख के आए थे बाबा जी के पास। उस समय धूप खिली हुई थी तो ये अंदाज़ा नहीं था कि बारिश हो सकती है, नहीं तो बैग में ओढ़ने के लिए पन्नी वगैरह है बरसाती। तो लेकिन कुछ भी हो, भीगे हैं, परेशान हुए हैं और थक भी गए हैं, लेकिन जो अद्भुत नज़ारा देखने को मिला है इसको हम मिस कर देते तो, और बहुत ही अद्भुत नज़ारा। अभी थोड़ी सी धुंध छट जाएगी तो अभी हम आपको नर्मदा जी का और तवा नदी का दोनों का संगम भी दिखाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है संगम यहाँ पर। ये हम आ गए मृगन्नाथ बाबा के स्थान पर। जय हो मृगन्नाथ महाराज की जय। ये मृगन्नाथ महादेव के नाम से जगह प्रसिद्ध है। जब मैं गुजरात से यहाँ पर पहली बार आया था बांद्रा बांध सामने की ओर गाँव में, तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया था कि यहाँ पर ज़्यादा जब बारिश नहीं गिरती यहाँ के आसपास के एरिया में, तो वो लोग यहाँ पर आकर मृगन्नाथ महादेव को जो है अर्घी लगाते हैं, फिर अच्छे से प्रसादी बनाते हैं, भंडारा पाते हैं और फिर नीचे ज़मीन तक पहुँचते भी नहीं जी, तब तक बारिश शुरू हो जाती है जी जी, ऐसा कुछ मैंने सुना था उस समय जी। तो फिर इसी उत्साह के साथ क्या है ये चीज़ जानने के लिए एक बार आ चुका था मैं यहाँ पर बच्चों के साथ। अच्छा, यहाँ के बच्चे मुझे लेकर आए थे। अच्छा अच्छा, तो ऊपर आए तब देखा तो यहाँ पर कुछ दो तीन पत्रे लगे हुए थे, बाकी प्लास्टिक था, एक टूटी थी और उसमें कुछ बना नहीं था यहाँ पर कुछ भी, ये खाली जगह थी, भगवान थे तो यहाँ पर एक गुना था, तो उस गुना पर बैठकर फिर ऐसे ध्यान किया, थोड़ी क्रियाएँ की, फिर मंत्रोच्चार किया हम लोगों ने, थोड़ा सत्संग किया, तो ऐसे ध्यान करते करते पता चला कि काफ़ी सिद्ध जगह है। अच्छा, कि यहाँ पर अगर कोई ऐसे महात्मा आ जाए और जागृत कर दे इस जगह को फिर से, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर हो सकता है। तो देखा कि काफ़ी सिद्ध जगह है, फिर चला गया मैं वापस गुजरात कुछ समय रहकर नीचे। फिर वापस जब गुजरात से आया 5-6 महीने बाद, तो यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर ये महात्मा जी आए हुए हैं और फिर यहाँ पर धीरे धीरे सिर्फ 2 महीने में इतनी सारी व्यवस्था। अच्छा, ये पहले कुछ नहीं था? पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पर, केवल ये धुना था बस जी। और अभी भगवान की मृगन्नाथ महादेव की कृपा देखिए आप, और जब सही इंसान सही जगह पर आ जाता है तो उस जगह का विकास अपने आप बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात। तो अभी आज काफ़ी कुछ गांव वाले इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं
रोज के 20-25 लोग आकर यहाँ पर भोजन करने की पाते हैं। अच्छा, और पहले यहाँ कोई नहीं आता था? पहले यहाँ पर कोई नहीं आता था। मैंने ये कुछ दिनों पहले जब यहाँ पर भगवान जी का आगमन हुआ, शिव जी का, शिव परिवार का, यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा अच्छा जी, श्री जगन्नाथ महादेव की फिर से प्राण प्रतिष्ठा। अच्छा, उसी के लिए सलिया वगैरह आए हैं जी? अभी जो नीचे से आ रहे हैं, नीचे से जो सलिए और ये सब आए। हाँ, और ये नीचे मेन रोड से सतल धरती से लेकर ऊपर तक ये 2.5 किलोमीटर जितना अच्छा अंतर है, 2.5 किलोमीटर ऊपर है अभी नर्मदा जी की सतह से। और इतने ऊपर इतनी सारी चीजें लाना, सबसे पहले तो इंसान यही सोच लेता है चीज देख के, अरे कौन उठाकर ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, नहीं खाली आना। हाँ, हम तो खाली आना नहीं मुश्किल हो जाता है यहाँ पर इतने ऊपर एकदम। दूसरा ये हनुमान जी के बाद जो चढ़ाई शुरू होती है ये बहुत जटिल, सीधी चढ़ाई तो बिल्कुल है नहीं यहाँ पर, आप देखेंगे तो बहुत। हनुमान जी के बाद तो पूरी सीधी ऐसी चढ़ाई हो जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसी जगह पर इतना सब कुछ विकास होना, मतलब ये प्रभु की कृपा होती है। वरना आप किसी को 1000 रुपए दे और कहे कि भाई 50 किलो की बोली। अरे जगन्नाथ जी महाराज के नाम से जानते हैं, इनका क्या इतिहास रहा? इनका इतिहास तो सच में मुझे भी उतना पता नहीं है। दादा आपको मालूम है? यहाँ के गांव के लोग से मैंने पूछा था तो वो लोग भी काफी कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, हाँ, केवल एक बात प्रचलित है जो दादा ने भी बताई है और भी लोगों के मुंह से सुना है कि यहाँ लोग जब बारिश अगर नहीं होती है तो यहाँ पर आते थे, अपनी जो इच्छा लेके आते थे वो उनकी पूर्ति होती थी, ऐसा कुछ सुना है। सर हमने देखा है। हाँ, मेरी उम्र 71 साल की है, 1952 का जन्म है। अच्छा अच्छा, तो हम छोटे छोटे से देख रहे हैं, जहाँ पे सांगखेड़ा गांव है बगल में नीचे, तो पहले जो साधन नहीं था, जो बिजली पंप ट्यूबवेल नहीं थे खेतों में, जो बरसाती फसल बोते थे। अच्छा, ज्वार बाजरी और धान वगैरह छींच के बो देते थे, और तोर मोर चनाना, तो ये पानी नहीं बरसता था ये दिन में बरसात, वो धान सूखन लगी थी, धान कोदो कुटकी समा बाजरा तो सूखन लगते, तो गांव के आदमी पर सलाह करते थे कि मृगन्नाथ बाबा चलो, तो वे गांव के 10-25-50-100 आदमी आते झंडा लेके और खराउन लेके और प्रसाद लेके बाबा जी का, कि मृगन्नाथ बाबा चलो, तो बाजी गाजे से आते थे झंडा लेके जय जयकार लगा। अच्छा, तो बाबा की जय जयकार लगा तो आते थे, तो हम 10-10-20-20-15-15 साल से ही देख रहे हैं, हम जब से हमने होश संभाली। तो पहले जो ऊपरी पानी की फसल बोते थे, मतलब बरसाती, तो वो पानी नहीं गिरता था, तो वो फसल सूखने लगती ये दिन में बरसात के कुछ दिन बाद, तो गांव से आदमी आते थे झंडा लेके बाबा की जय जयकार करते, तो वे आते थे और फिर लौट के जाते थे, तो वे भींज के जाते थे, तो हम देखते थे गांव में से, हमने तो भींज चले जा रहा है, पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है, तो हर साल हमने देखा। अब ये 10-20 साल से जो सरकार ने ये ट्यूबवेल दे दिए है, ट्रैक्टर दे दिए है, तो अब आवश्यकता नहीं होती लोगों को पानी मांगने की। ये नई सरकार आई जब से, इसने सिस्टम बदल दिया है, बिजली पानी दे दिया खेतों में, तो अब लोग आना जाना कम कर दिया। हमने पहले तो कम से कम हमारी 50-60 साल तक की उम्र में हमने यही देखा, हर साल लोग बाग आते थे पानी मांगने के लिए, और बाबा के जहाँ दुआई लगाते थे, बाबा की जय जयकार करते थे, और वे पानी गिरता था और भी जब चल जाते हो खूब आनंद हो जाते फसलों के। ये हमने इसीलिए बाबा का नाम मृगन्नाथ रखा है। मृगन्नाथ तो वो उनकी वो इतिहास दूसरा है। अच्छा। मृगन्नाथ स्वामी। हाँ। तो वे मृग वो भक्ति करते थे, जो 6-7 भाई रहते, तो ये छोटे भाई थे मृगन्नाथ स्वामी। अच्छा अच्छा, तो ये एक बार मृग का रूप इनको सिद्धि प्राप्त हो गई थी। अच्छा। तो मृग के झुंड में जी बैठ गए, मृगा बन के तपस्या कर रहे थे, तो कोई काशी का राजा आया था शिकार खेलने, तो वो शिकार करते करते इतनी दूर आ गया, वो भूल गया, भटक गया, तो और इधर आ गया वो, और उसके साथ ही चलेगा वापस, अब भूखा प्यासा था, तो क्या करूँ। तो उसने हमने नर्मदा पुराण में सुना था जी। अच्छा। हाँ, तो एक संत ने बताया था पुराण के अलावा है ये मृगन्नाथ की कथा,
अच्छा, तो कहने लगे वो उसको भूख लगी तो वो शिकार करने तो निकला था राजा, काशी का राजा था कोई, उसका नाम मालूम नहीं, भूल गया। तो उसने जब मृग को देखा झुंड में, तो ये अच्छा मृग था बड़ा वाला, तो उसने तीर मार दिया तो उनकी मृत्यु हो गई। तो माता पिता को पता चला, तो ये छोटा पुत्र था उनका, तो उसके वियोग में दोनों प्राणी खत्म हो गए, देख के बेहूँ। अरे ऑटोमेटिक उसकी चिंता में मृगनाथ बाबा की, ये संत था बहुत बड़ा, तो वो उन प्राण त्याग दिए। फिर भाई को पता चला, फिर भौजाई को पता चला, जैसे कि 6-7 भाई सब मर गए, सबने प्राण त्याग दिए, प्राण त्याग, इतने प्रिय थे। हाँ, इतने प्रिय थे। अरे जब से इनकी समाधि बन गई है जो देवस्थान, हाँ, तो ये बहुत बड़े, तो इनकी समाधि यहीं पर है देवस्थान। हाँ, जे मूर्ति देखी तो पत्थर की। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो जे मंदिर का निर्माण हो रहा शुरू। हाँ, हाँ। ये संत लोग, अच्छा अच्छा, ये कई एक मूर्तियां वही रखी हैं सब। हाँ, जो पत्थर की मूर्ति थी पहले। हाँ, अच्छा। और ये पत्थर का चौथरा देखा था हम। हाँ, कई बार आते थे जो गांव बगल में सारा खेड़ा में रहते, मेरा नाम रामदास केवट है। तो हमने शुरू में छोटे छोटे थे जब ऐसे देख रहा है। तो अब जो मंदिर का निर्माण भगत लोग, जो साधु संत जी, दो तीन इनका नाम मालूम तो नहीं है, जो साधु संत जी निर्माण करन चाह रहा है, बहुत अच्छी बात। ये जहाँ पे भगवान की भक्ति करते हैं, मतलब ये तो साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो इनके माध्यम से ये रहने लगे, तो निर्माण हो रहा मंदिर का, जिस भाई को सहयोग करना हो, ये बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अगर जीवन में जिसने कर लिया उसका तो उद्धार हो गया, उसको दूसरी जरूरत नहीं है पर करने की। तो जिसको सहयोग करना हो इस मंदिर के निर्माण में, वो इनके अकाउंट नंबर दे दें, तो उस पर जो दान राशि दे के अपना सहयोग कर सकते, सहयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो महाराज जी से मेरे निवेदन है कि इनके वो अकाउंट नंबर दे दें तो बहुत अच्छी बात है। तो दान अकाउंट नंबर दे दें, जो इच्छुक होंगे वो डाल देंगे, वो इच्छुक होंगे वो, तो जैसे जो वो दान राशि डाल करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं महाराज जी से निवेदन करूँगा कि अपना अकाउंट नंबर दे दें, तो जिस भाई को भी दानदाता को दान करना है, भगवान ने उसको दिया है और वो अपना अगवत का सौदा करना चाहता है या धर्म करना चाहता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो जिसको ये मंदिर के निर्माण में सहयोग करना हो तो कर सकते हैं, बाबा जी के अकाउंट नंबर पे वो दान राशि डाल सकते हैं। तो छोटा मुख करके आना पड़ा। अच्छा, तो ये काफी घूम के आई हुई है, ऐसे घूम के आए। हाँ हाँ, और वो बांद्रा बांध जाए पूरा गाँव, ये दोनों नदियों के बीच में है। अच्छा, ये नर्मदा जी आ रही हैं, ये नर्मदा जी आ रही हैं, और वो सामने घूम के तवा नदी आ रही है। तवा, ये यहाँ पर संगम हुआ है। अच्छा अच्छा, और ये नीचे घाट है, घाट का नजारा। हाँ, ये पूरे घाट है। ये देखिए, यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज है जी, नर्मदा जी बहती है ना। ये तवा नदी पे पुल बना हुआ वो दिखाई दे रहा है। हाँ, सारी नदियां देखना है, बंगाल के खाड़ियों में जाके उनका अंत होता है। ठीक है, पर एक नर्मदा जी ऐसी है जो पूर्व से लेकर पश्चिम में बहते हैं। और गुजरात में जो समंदर है भरूच दहेज के पास, वहां पर जाकर वो उनसे मिलते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि नर्मदा जी समंदर में समा जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, जैसे हम नर्मदा माता की परिक्रमा लगाते हैं, देवी देवताओं की परिक्रमा लगाते हैं, वैसे नर्मदा माई भी पृथ्वी की परिक्रमा लगाते हैं। अच्छा। हाँ, ये और फिर वापस अमरकंटक में आते हैं, तो ये ऐसे चलता रहता है। अच्छा, तो ये समुद्र वहाँ मतलब जो अरब की खाड़ी से फिर कहाँ जाती है ये? फिर भूमि में। हाँ, ये भूमि से ही आई है, वापस भूमि में ही जाना। अच्छा, वापस भूमि में ही जी।